सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा छोटी सी, कि अगर आप राष्ट्र से प्रेम रखते हैं, हमारे जो जवान शहीद हुए उनसे अगर थोड़ा भी अगर प्रेम है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हमारे देश के अंदर ऐसे भी देशद्रोही लोग छुपे हुए हैं जो जवानों के शहीदों पर राजनीति कर रहे हैं। आज इस वीडियो में एक ऐसे ही व्यक्ति हैं द विनय दुबे, फेसबुक पेज पर आप खोज सकते हैं, जिसने इस बात पर राजनीति कर रहा है बंदा कि जो 20 लोग जवान शहीद हुए हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के लोग हैं, और इस पर क्योंकि बिहार में अभी चुनाव आने वाला है और उस पर देश की जनता को भड़काया जा रहा है। एक तरह हमारे मोदी सरकार राष्ट्र में देश की सीमा पर सैनिकों से लड़ रही है, और एक तरफ हमारे देश के अंदर में इस तरह के देशद्रोही लोग बैठे हुए हैं जो अलगाववाद पैदा कर रहे हैं, मतभेद पैदा कर रहे हैं, हमारे जवानों के सहज शहादत पर भी राजनीति कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि इस प्रकार के घटिया और हरामखोर लोग हमारे देश के राजनीति को बिगाड़े हुए धर्म जाति के नाम पर लोगों में अलगाववाद पैदा करते हैं, जबकि ये वक्त है अभी जवानों के साथ खड़ा होने का, लेकिन ये इनको बिल्कुल भी नहीं सूझता है। इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो में क्या बात बोली है उसने और मैं किस बात, जो मतभेद है लोगों में बिहार के लोगों में, वो मैं डाउट क्लियर करने वाला हूँ। अगर आप बिहार के हैं तो आप वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा ताकि आपको बात पूरी तरह से पता चल जाएगा। मैं लाइक और सब्सक्राइब, आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो चलेगा, लाइक भी नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार रेजिमेंट का मतलब क्या है और इसमें लोगों में कितना मतभेद है। लोगों में ये दिमाग में घुसा हुआ है कि बिहार के लोग सबसे ज़्यादा मरे हुए हैं और लोगों में मतभेद है मोदी सरकार को लेकर के। वीडियो को देखिए फिर बात करेंगे। जिसका देश के अंड भक्तों को और भारतीय जनता पार्टी को इंतजार था कि सीमा पे हमारे सैनिक कब मरे, कब उनकी मार्केटिंग करने के लिए बाहर निकले। 45 दिनों से ये झड़प चली थी लद्दाख में और चाइना और भारतीय सेना के बीच में, लेकिन हमारी सरकार सोई हुई थी। एक डेढ़ फुटिया के सैनिक आते हैं, हमारे सैनिकों को मार के चले जाते हैं, और वो सैनिक आते हैं जिनकी पूरी आंख तक नहीं खुलती है ठीक से। मैं उन तमाम डेढ़ फुटिया और आधी खुली आंखों से कहना चाहता हूँ, वो हक्का नूडलों से कहना चाहता हूँ कि बेटा हमारे देश की जो सरकार है वो कमजोर है, हमारा देश का प्रधानमंत्री जो है वो कमजोर है, लेकिन हमारे देश की सेना कमजोर नहीं है। मैं उस तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, आज वो समय है, हमें अपने सेना के साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैं पूरे देश के साथ आह्वान करता हूँ, मोदी जी से कहता हूँ कि मोदी जी, पूरा देश, सारी राजनीतिक दलें, सारे लोग आपके साथ हैं, इस घटना का पूरा जवाब आपको देना है, मुंह तोड़ जवाब होना चाहिए, लेकिन आप बिजी हैं बिहार के चुनाव में। पूरे मजदूर यहां से चले गए, एक अन्न का दाना आप नहीं खिला पाए। आप जब से इस तरह की राजनीति में आए हैं, हमें शर्म आता है कहते हुए कि देश का अब तक के इतिहास में सबसे नाकाम और हारे हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आज दुर्भाग्य है देश का कि आप जैसा प्रधानमंत्री हमारे देश के केंद्र में बैठा हुआ है, जो केवल राजनीति कर सकता है शहीदों की लाशों के साथ में। हमने देखा पुलवामा में जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में आपने वोटों की भीख मांगी सैनिकों की लाशों पर, और उसके साथ ही जो पैसे शहीदों के परिवार को जाने थे वो पैसे तक आप खा गए, उसका एक फूटी कौड़ी शहीदों के परिवारों तक नहीं पहुंची। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आने वाले बिहार चुनाव में आप इस घटना का भरपूर इस्तेमाल करेंगे, और उसकी आशंका मुझे इस तरह लग रही है क्योंकि एबीपी में न्यूज पे आज 2 बजे का एक चैनल पे जो न्यूज चल रही थी उसमें खुला बताया गया है कि जो शहीद हुए हैं लद्दाख में, जो सैनिक मरे हैं, उसमें अधिकतर बिहार रेजिमेंट के लोग हैं, सैनिक हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आप तक के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं जुड़ चुका हूँ एक बार फिर से एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर आपको जानना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों कहते हैं कि हमारे देश की सीमा पर जितने दुश्मन नहीं हैं, और ये बात सही है, जितने दुश्मन हमारे देश की सीमा पर नहीं हैं उससे ज़्यादा दुश्मन हमारे देश के अंदर हैं, और ऐसी दुश्मन में एक दुश्मन आप इसको कह सकते हैं, नाम विनय दुबे, मुंबई से। मैं इसके काम के बारे में बता देता हूँ। कोरोना वायरस के लॉकडाउन के बारे में जो बांद्रा मुंबई रेलवे स्टेशन पर जितनी भीड़ इकट्ठा हुई थी वो इसकी करामात थी। पुलिस ने इसको 1 महीने तक जेल में रखा था, लेकिन फिर भी इसकी बात समझ में नहीं आई। सोनू सूद जैसे एक्टर जब लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की रक्षा करते हैं, उनको गृह राज्य तक पहुंचाते हैं, तो उस पर भी ये बंदा राजनीति करता है और ये कहता है कि उसने किसान जो मजदूर भाई हैं उनको घर तक पहुंचाया नहीं। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी, उसने क्या किया और क्या नहीं किया और कितना झूठ बोला। आज हमारा देश ऐसी स्थिति में खड़ा है जहाँ पर देश के अंदर ऐसे देशद्रोही सैनिकों की शहादत पर भी राजनीति कर रहे हैं, और जो लास्ट में इसने जो बात कही कि बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा,
बिहार चुनावी रैली में जवानों की शहादत देकर। जिस प्रकार की रणनीति बिहार रेजिमेंट से इसने जो बात कही है, मैं आपको बताता हूं कि बिहार रेजिमेंट की जो बात कही है इसने, इसका एक फेसबुक पर पेज है विनय दुबे करके, उसमें हजारों लोग ऐड हैं और वो हजारों लोग इस फेक न्यूज़ को देख रहे हैं और वो ऐसे लोग हैं जो ऐसी विचारधारा रखने वाले लोगों का समर्थन करते हैं। और उसकी पोस्ट को आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, उसमें लिखा हुआ है, आपके स्क्रीन पर है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बिहार चुनावी रैली से जवानों के शहीद को कनेक्ट करके राजनीति कर रहा है ये विनय दुबे। मैं इसको समझा देना चाहता हूं कि देश का वो हर एक सिपाही जो किसी भी राज्य से हो, उसका सबसे पहला धर्म होता है देश की रक्षा करना। वो ये पूछ कर नहीं जाता कि मैं सिख, मुस्लिम, हिंदू या किस मुस्लिम भाइयों की रक्षा करूंगा। वो केवल सीमा पर तैनात रहता है और हर देश के अंदर वो हर धर्म वाले व्यक्ति की रक्षा करता है, वो किसी धर्म, एक धर्म की रक्षा नहीं करता। लेकिन हमारे देश के अंदर ऐसे ही कुछ हरामी और घटियापन की राजनीति करने वाले लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये बिहार रेजिमेंट के थे तो पंजाब रेजिमेंट के थे। इसने जो बात कही लास्ट में बिहार रेजिमेंट के थे, इससे आपको फर्क पड़ता है, आपको जान के फर्क पड़ेगा कि इस बात को लेकर कि बिहार के लोग और उससे जुड़े हुए पेज के लोग क्या समझते हैं। आपको मैं सारी कमेंट भी दिखाऊंगा इसके बाद। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि बिहार रेजिमेंट ये केवल बिहार के लोगों का नाम नहीं है, ये एक रेजिमेंट है। और जो 15-16 जून को जो हमारे अमर जवान शहीद जो लद्दाख में जो शहादत को प्राप्त हुए हैं, उसको जोड़कर देख रहे हैं इसके पेज पर कि वो सारे जो है उसमें से ज़्यादा 16 जो जवान हैं वो बिहार से हैं। इसके पेज पर जो कमेंट्स हैं वो आपको पढ़कर समझ में आ जाएगा कि लोगों की जो मानसिकता है वो चेंज हो गई है। उनको ये नहीं पता है कि बिहार रेजिमेंट का मतलब ये नहीं है कि लोग बिहार से हैं पूरे। बिहार रेजिमेंट एक रेजिमेंट का नाम होता है। मेरे सामने वो सारी रेजिमेंट्स हैं जिसमें से 20 जवान शहीद हुए थे, किस किस रेजिमेंट से वो जवान गए थे मेरे पास सब है। और मैं ये भी बताऊंगा कि बिहार के लोग कितने थे और बिहार के लोग कितने नहीं थे। मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि 15-16 जून को जो हमारे लद्दाख में जो जवान शहीद हुए थे उसमें 6 रेजिमेंट के जवान शहीद हुए हैं, जिसमें से मैं रेजिमेंट का नाम बता रहा हूं। अगर रेजिमेंट में अगर बिहार है तो आप ये मत समझिएगा कि वो बिहार के लोग हैं। 16 बिहार रेजिमेंट, ये एक रेजिमेंट का नाम है, ना कि मैं अगर 16 बिहार बोल रहा हूँ तो 16 लोग बिहार से हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा। जैसा कि ये विनय दुबे ने अफवाह फैला रखा हुआ फेसबुक पर, तमाम इसकी मीडिया समाचार पत्रों से बिल्कुल भी इसको खैर रहती है, खासतौर से मोदी सरकार और उसके रणनीतियों से इसको बैर रहता है। लेकिन इसकी मानसिकता सिर्फ इतनी है कि हमारे जवान जो हैं वहाँ शहादत को प्राप्त होते हैं और इसको राजनीति सोचती है। बिहार में और जगह भी तो राजनीति हो रही है लेकिन इसको बिहार से पड़ी है। मैं आपको सबसे पहले रेजिमेंट्स के नाम बताता हूँ और कौन कितने सैनिक हैं। आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा वरना आप भी अफवाह में रहेंगे। और इस तरह के लोग अगर बात करते हैं तो आप उसको फैक्ट को चेक करिए। इसने बोला कि ABP न्यूज़ में दिखाई गई कि बिहार रेजिमेंट से सबसे ज़्यादा जवान शहीद हुए हैं और इसकी मानसिकता और इसको फॉलो करने वाले लोगों के दिमाग में ये है कि बिहार के ज़्यादा लोग मरे, जबकि इस पर राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक आम सिपाही ये देखकर नहीं जाता कि हम किसी एक धर्म की रक्षा करेंगे, उसका कर्म बनता है कि वो देश की रक्षा करेगा, ना कि एक किसी धर्म की रक्षा करेगा। लेकिन ऐसी घटिया राजनीति करने वाले विनय दुबे जैसे लोग देश के लिए देशद्रोही हैं, देश की सीमा में नहीं देश के अंदर देशद्रोही हैं। मैं सबसे आपको रेजिमेंट नाम बताता हूँ, आप 16 बिहार रेजिमेंट, ये एक रेजिमेंट का नाम है और इस रेजिमेंट से हमारे 12 जवान शहीद हुए हैं। 3 पंजाब रेजिमेंट, ये एक रेजिमेंट का नाम है। 3 पंजाब अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप ये मत समझिए कि वो पंजाब के लोग होंगे सारे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 3 मीडियम रेजिमेंट, इसमें 2 जवान शहीद हुए। 12 बिहार रेजिमेंट, इसमें 1 जवान शहीद हुए। 81 माउंट ब्रिगेड सिग्नल कंपनी, इसमें 1 जवान शहीद हुआ इस रेजिमेंट से। 81 फील्ड रेजिमेंट, इसमें से 1 जवान शहीद हुआ। बात यहाँ पर यह फंसी है कि इसके पोस्ट पर बिहार रेजिमेंट सबसे ज़्यादा लोग शहादत को प्राप्त हुए हैं और इसका नतीजा प्रधानमंत्री मोदी को भुगतना पड़ेगा इस बिहार की चुनावी रैली में। यहाँ पर अटक जाती है और लोगों की यहाँ पे मानसिकता बनी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के लोगों को देश की रक्षा के लिए ढकेला और वहाँ 20 जवानों में से बिहार के लोग सबसे ज़्यादा शहादत को प्राप्त हुए हैं। अभी मैंटेलिटी लोगों में ये बनी है तो मैं इसको अभी क्लियर करने वाला हूँ। अब मैं बताता हूँ, मैंने आपके सामने 6 रेजिमेंट का नाम लिया जिसमें से 20 लोग जवान शहादत को प्राप्त हुए हैं। अब मैं आपको 16वीं बिहार रेजिमेंट में जो 12 शहीद हैं, मैं आपको बताता हूं कि इसमें कौन कौन से लोग और कहां कहां के हैं।
तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि 16वीं बिहारी रेजिमेंट एक रेजिमेंट का नाम है, न कि 16 लोग बिहार के लोग मारे गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जबकि ये गलतफहमी सारे लोगों के बीच में फैली हुई है, अभी जो उसके पोस्ट जुड़े हुए हैं और फेसबुक पोस्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहला नाम आपको मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि 16 बिहार रेजिमेंट ये एक रेजिमेंट का नाम है, आप इसको बिहार से बिल्कुल भी कनेक्ट मत करिएगा। पहले सिपाही कुंदन कुमार, ये सहरसा बिहार से हैं। सिपाही अमन कुमार समस्तीपुर, ये बिहार से हैं। दीपक कुमार, ये रीवा मध्य प्रदेश से हैं। आपको इस रेजिमेंट में अलग अलग राज्यों के अलग अलग लोग मिल जाएंगे, जमान मिल जाएंगे। सिपाही चंदन कुमार भोजपुर बिहार से। सिपाही गणेश कुंजन सिंहपुर पश्चिम बंगाल से। सिपाही गणेश राम कांकेर छत्तीसगढ़ से। सिपाही के ओझा साहिबगंज झारखंड से। सिपाही राजेश उराव वीरभूम पश्चिम बंगाल से। और सिपाही सी के प्रधान कंधमाल उड़ीसा से। नायक सूबेदार नाथुराम मयूरभंज उड़ीसा से। हवलदार सुनील कुमार पटना बिहार से। कर्नल बी संतोष बाबू हैदराबाद तेलंगाना से। चार या पांच राज्य ऐसे हैं जहां पर इसको एक रेजिमेंट जहां से जवान इकट्ठा हुए हैं, और इस रेजिमेंट का नाम 16वीं बिहार रेजिमेंट रखा गया है, न कि 16 लोग बिहार के लोग हैं। जबकि इस पेज पर आम जनता ये समझ रही है कि जितने भी लोग मारे गए हैं 16 लोग वो बिहार के हैं। तो ये मैं सबसे पहले आपको डाउट करना चाहता था, और आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। लेकिन इस तरह की राजनीति करने वाले लोग बिल्कुल भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये देशद्रोही नहीं है। इस वक्त ज़रूरत है हमारे प्रधानमंत्री के साथ मनोबल बनाने की, देश की जो सीमा है उस पर तैनात हुए जो सिपाही हैं उसका साथ देने की। लेकिन इस तरह के लोग, घटिया लोग, इस वक्त में इस प्रकार की अभी जब राजनीति करते हैं जवानों की शहादत को भी लेकर के, कि ये जवान इस राज्य का ज़्यादा है, 16वीं बिहार रेजिमेंट का है, पंजाब का है, छत्तीसगढ़ का है, फलाना ढिकाना, तब बहुत गुस्सा आती है देश की आम जनता को। और मैं ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहता था, लेकिन आम जनता में ये मतभेद है कि आखिर आम जनता इस बात को ये समझ रही है कि 16वीं बिहार रेजिमेंट 16 लोग बिहार के हैं, ये आम जनता में फैली हुई है, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाई। और खास तौर से बिना दुबे से मैं अपील करता हूँ कि आप इस प्रकार की वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाएं, क्योंकि आप इस प्रकार की अगर हरकतें करते हैं तो आप वाकई में एक देशद्रोही हैं। आप हमारे जवानों के साथ कहते तो हैं लेकिन खड़े नहीं हैं। हमारे प्रधानमंत्री को ये तो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, देश की जनता साथ में खड़ी है, लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ताकत देश की आम जनता है, और आम जनता को आपने भड़काने का काम किया है, तो ये बिल्कुल भी देशद्रोही वाला काम है। पंजाब के मुखपत्र से आप बातें बोलते हैं, आप एक सोनू सूद जैसे एक्टर को आपने बोल डाला कि वो मज़दूरों की बिल्कुल भी उन्होंने सहायता नहीं की। जब से इस पर वीडियो मैंने बनाई थी उन्होंने बहुत सारी सहायता की, उन्होंने एक व्यक्ति की भी अगर सहायता की तो वो बहुत ज़्यादा है। मुझे आप बता दीजिए कि आपके नेता, आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, मुझे पता है आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, मैं इसकी बात, ये अलग मुद्दा है कि आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन मुझे पता है, आप मुझे ये बताइए कि कांग्रेस ने क्या किया। आपने एक बात बोली कि महाराष्ट्र में जो मजदूर थे उनसे पैसा लिया गया। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपको शायद याद होगी, जो पहली बार केंद्र सरकार ने जो 6 ट्रेनें चलाई थी उसमें से सोनिया गांधी ने यह बोला था, आप कांग्रेस पार्टी से हैं, आप इसको बिल्कुल भी नहीं, संजय राउत के हाथ पर कंधे हाथ रखकर आप बातें करते हैं, सोनू सूद पर आपने बोला था कि संजय राउत की जब ट्विटर पर अगर आया धुआं धुआं उठा तब मुझे ये बात पता चला, तो ये भी मुझे पता है। तो सोनिया गांधी ने ये बोला था कि जब केंद्र सरकार ने 6 ट्रेनें शुरुआत में चलाई थी तो उसमें उन्होंने ये बोला था कि अलग राज्यों से आने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य जितने भी मजदूर हैं हम उनका खर्चा वहन करेंगे। दिया नहीं, दिया नहीं, दिया। और आप भी ये बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार ने पैसा ले लिया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एक राज्य में ये देखने को मिला था, लेकिन तमाम जगहों पर आप देखेंगे कि केंद्र सरकार ने अपने समय रहते हुए काम किया है। हालांकि इस बात से बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता कि देश की जनता, मजदूर, गरीब तबके के लोग रोड पर उतरे थे लाचार, बेबस और सैकड़ों मिनट चलने के लिए मजबूर हो गए थे। इस बात से बिल्कुल भी मैं नकार नहीं करता हूँ, लेकिन इस प्रकार की राजनीति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। अगर आपने अगर इस प्रकार की अगर वीडियो बनाई तो मैं फिर से आपके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, और आपकी पेज पर ये वीडियो मैं डालने वाला हूं, ताकि लोगों को ये पता चले और आंखें और कान खोलकर सुन लें कि इस प्रकार की पेज पर आने वाली पोस्ट हमेशा सरकार के विद्रोह में होती है। अब आपने एक बार और भी कही कि आप चाइना का प्रोडक्ट से बाइकॉट ना करके आप बीजेपी को बाइकॉट करिए। अब आप एक बताइए, एक तरफ ये बंदा गिरगिट की तरह रंग बदलता है, एक तरफ ये कहता है कि
मोदी जी के साथ आम जनता खड़ी है और एक तरफ ये कहता है कि आप चाइना के प्रोडक्ट्स को बाइकआउट ना करके प्रधानमंत्री को बाइकआउट करिए, आप ये बताओ कैसी क्रिकेट जैसे रंग बदलने वाले छोड़ दो विनय दुबे इस तरह के रंग, क्योंकि तुम्हारी घटिया जैसी राजनीति के लिए हमारा आज प्रधानमंत्री जो है उनको जरूरत है, देश की आम जनता की, भले वो किसी भी अभी समय में हो आज जरूरत है देश के जवानों के साथ खड़ा रहने की, लेकिन तुम्हारे जैसे औकात के लोग और घटिया जैसे औकात के लोग राजनीति कर सकते हैं, लोगों को भड़का सकते हैं, एक दूसरे में विद्रोह फैला सकते हैं, आक्रोश फैला सकते हैं, अलगाववाद कर सकते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते। मिलूंगा एक अगली वीडियो के साथ अगर इस प्रकार की वीडियो आई, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा आपसे अपील करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा तो ताकि लोगों को पता चले कि इस प्रकार की तो राजनीति नहीं होने वाली, क्योंकि बिहार में आने वाले चुनाव में इस प्रकार के पेज से जो पोस्ट किए जाते हैं उसकी हेल्प के लिए किए जाते हैं, न कि बीजेपी के सपोर्ट के लिए किए जाते हैं। राजनीति बिखराव का ये भी एक प्रकार का कारण है, इस जैसे लोग राजनीति बिखराव का कारण बनते हैं और ये बिल्कुल भी सटीक बात है, इसमें बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। तो बिहार के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो तमाम जनता को ये बात पता होना चाहिए कि 16वीं बिहार रेजिमेंट 16 लोग उसमें नहीं है, आप जाकर चेक किया कीजिए और इस बात को पुष्टि करिए कि आखिर सामने वाला क्या बोल रहा है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, जय हिंद जय भारत।